मैं अच्युतानंद सीनियर सिटीजन इंजीनियर वेस्टर्न रेलवे भावनगर में। अब हम आपसे थोड़ी बहुत सी जानकारी चाहेंगे, आपकी सलाह चाहेंगे, आपका समय चाहेंगे, एक मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो पहला ये हमें बताएं कि आपको ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, इससे आपने अपने आप को कितना सीखा, या कुछ और सीखने की जरूरत है, या कुछ और हमें इसमें ऐड करना है? आपका ट्रेनिंग सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। एस्कावा मेन प्रॉब्लम एस्कावा के ड्राइव में आती है, तो उसका कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होता है एस्कावा को छोड़कर। आप पहले कंपनी हो जो कि ऑल इंडिया लेवल पर एस्कावा ड्राइव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उनके सर्विस इंजीनियर बुला कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। और उसी तरह मोटर डीवीएल जो मोटर बनाते हैं उनके भी प्रॉब्लम आते हैं, उनका भी थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। तो मतलब ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा। अब एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के जाने के बाद आपका एक्शन प्लान क्या होगा? एक्चुअली हम मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी जो कि हमें बेसिक थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि हमें नहीं मालूम होता, या मालूम होता हुए भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम छोटी सी प्रॉब्लम जो गलती छोटी सी है हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको हम कंप्लीट करना चाहिए जिससे आगे हम फॉल्ट या जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए। और जाने के बाद हमारा प्लान ये रहेगा कि हम जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं उनको जो रिपोर्ट देनी होती है उनको दिया जाएगा, और उसके बारे में वो आगे प्लान करेंगे कि अगले नेक्स्ट सेशन में कितने लोगों को भेजना है। धन्यवाद सर। आपने यहाँ क्या क्या सीखा सर? मेरे को यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैंने और कंपनी के बजाय जुड़े गए थे, उन्होंने हमको कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन यहाँ आकर हर चीज़ के बारे में पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छा लगा। और छोटे मोटर्स के बारे में आएंगे, मोटर साइड में लिखिया ट्राइव के बारे में, मेरे को इससे पहले लिखिया के बारे में जो मैंने, तो मैं जाकर अपने साथी कर्मचारी को जो हमारे साथ काम करता है उनको बताऊँगा, मैं सुपरवाइजर को बोलूँगा कि अगली बार दो चार लोगों को देखा। धन्यवाद सर।